और पानी ट्रिपल यूज करेंगे हम इसमें। एक समझ लीजिए 150 ग्राम हम शुगर ऐड करेंगे इसमें, जितनी सूजी उतनी चीनी। घी माइक्रोवेव में अगर आप हलवा बना रहे तो ऑयल फ्री, मतलब ऑयल फ्री तो नहीं कह सकते आप, लेकिन अपने जैसे आप गैस पे बहुत ज़्यादा घी वगैरह यूज करते हैं तो आप माइक्रोवेव में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी घी यूज कर सकते हैं, जितना अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना उतना यूज कर सकते हैं। ये हम काउ मिल्क यूज कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी, अपने अकॉर्डिंग या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें 100 ग्राम भी यूज कर सकते हैं, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दो बड़े चम्मच भी यूज कर सकते हैं, एक बड़ा चम्मच भी यूज कर सकते हैं। तो जितना आप घी डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको ऐड करना है आप इसमें ऐड कर सकते हो, अच्छे से आप मिक्स कर लो इसमें। ये आपने मिक्स कर लिया, अब इसमें वाटर पानी यूज करेंगे। पानी देखिए ट्रिपल यूज करना है, तो हमने 1.5 कप सूजी लिया था, 1, 2, 3, 4 एंड हाफ। अब हम इसे माइक्रोवेव में रखेंगे 10 to 12 minutes। अब बीच में एक बार मिक्स करना है इसको अच्छे से। रेसिपी को किसी भी माइक्रोवेव पे बना सकते हैं, चाहे ग्रिल हो, कन्वेक्शन हो, या नॉर्मल आप सोलो यूज करते हैं जो घर में, तो उसमें मोड होते हैं। मोड हम माइक्रोवेव मोड यूज करेंगे, सिंपल मोड, और देन टाइम स्टार्ट करेंगे माइक्रोवेव पावर लेवल टाइमिंग 12 मिनट्स, देन स्टार्ट। और 12 मिनट में आपका ये सूजी का हलवा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी रेडी हो जाएगा। फिर हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना टेस्टी है। देखिए एक बार बीच में हम निकालेंगे अपनी रेसिपी को और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसको, जिससे प्रॉपरली वो मिक्स हो जाए अंदर। वाओ देख रहे हैं आप इसकी शक्ल कितनी यम्मी लग रही है, वाओ। और जो बचा हुआ टाइमिंग है हम एक बार दोबारा स्टार्ट करेंगे अपने ओवन को और देन स्टार्ट। हलवा आपका रेडी होने वाला है। तो दोस्तों देखिए हमारा हलवा रेडी हो चुका है, इतना यम्मी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हमने कढ़ाई से भी अच्छा। इसे हम बाहर निकालेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना हो तो आप डाल सकते हैं, और ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए वाओ यम्मी। ये देखा आपने, हमने हलवा बनाया, किस तरीके से बनाया, कितने इजी वे में बनाया। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जितना आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे हम उतनी ही अच्छी अच्छी रेसिपियाँ इजी वे में आपको माइक्रोवेव में बनाना सिखाएंगे। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, फिर हम आगे मिलते हैं आपको एक नई रेसिपी के साथ।